नमः शिवाय। फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि अश्विनी नक्षत्र दिन में 2 बजे तक कायम रहेगा। तत्पश्चात भरणी नक्षत्र लग जाएगा जिसके नक्षत्र स्वामी शुक्रदेव हैं। आज चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे जिसके राशि स्वामी मंगलदेव हैं। आज के जन्मे जातक साहसी सुंदर सत्य बोलने वाले सौंदर्य प्रिय और चतुर होते हैं। शत्रुओं पर विजय पाने वाले चित्रकारी एवं फोटोग्राफी में रुचि रखने वाले भी होते हैं। अपना उद्देश्य अंतिम रूप से प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। ये उच्च महत्वाकांक्षी भी होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा और शुक्र की स्थिति अच्छी रही तो ऐसे जातक पूर्ण सफल होंगे। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन दिवा स्वप्न व अच्छे ख्यालों में गुजरता जाएगा क्योंकि आज चंद्रमा आपकी राशि पर रहेंगे। गज केसरी योग बना हुआ है। अपनी रचनात्मक सक्रियता को बरकरार रखें। मानसिक कल्पना को लगाम देते हुए अपने उत्साह को रचनात्मक कार्यों में निवेश करें। आपके प्रयास व्यावसायिक उन्नति के लिए लाभदायक होंगे। दोपहर के बाद का माहौल ज़्यादा अनुकूल और खुशहाली भरा महसूस करेंगे। पारिवारिक सुख सौहार्द में वृद्धि होगी। संतान पक्ष की अनुकूलता बनी रहेगी। विवाह संबंधी मामलों के लिए समय अनुकूल है। आज का दिन खुशहाली भरा बीतेगा। वृष राशि के जातकों के लिए अच्छे अच्छे कामों में पूंजी निवेश का योग बना हुआ है। अपनी गृहस्थी और पत्नी पक्ष पर अधिक खर्च संभावित है। आर्थिक योजनाओं की निरंतरता बनी रहेगी। व्यावसायिक प्रयास सार्थक होंगे। मन में उठ रहे व्यावसायिक उत्थान के जुनून को अपने सामाजिक संपर्कों और अधिकारियों के सहयोग से आगे बढ़ाएं। आपके प्रयास सफल होंगे। हाँ, हर काम के प्रति जल्दबाजी ना करें। वित्तीय संकट की स्थिति आ सकती है। ससुराल में पत्नी से मानसिक सहयोग मिलता रहेगा। सामाजिक उत्सव में सम्मानित किए जाएंगे। अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधानी अपेक्षित है। मिथुन राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सावधानी आवश्यक है। आपकी सक्रियता व्यावसायिक पक्ष को विकास देने में सहायक सिद्ध होगी। आर्थिक लाभ संभव है। आज गजकेसरी योग का पूरा लाभ आपको मिलेगा। भाग्यवश कुछ काम अच्छे होंगे। आपका पूंजी निवेश सही दिशा में होगा। मित्रों के सलाह से बचें। विरोधी पक्ष दबा रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में समय अनुकूल है। अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल रचनात्मक प्रयासों में करें, सफल रहेंगे। कर्क राशि के लिए आपका कुशल नेतृत्व और दृढ़ इच्छा शक्ति आपके हर क्षेत्र में सफलता की मिसाल कायम करेगी। आप ऊर्जा से भरपूर रहेंगे। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता निश्चित है। दोपहर के बाद का समय आर्थिक उन्नति में और सहायक होगा। भावी संतान के संबंध में समय अनुकूल है। शत्रु पक्ष दबा रहेगा। अच्छे मामलों में निवेश का योग बना हुआ है। निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे। कमर में जकड़न और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर ध्यान देना होगा। सिंह राशि के जातकों की पारिवारिक और सामाजिक दायित्व की पूर्ति होगी। निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे। आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रयास व्यावसायिक उन्नति को नया मुकाम दे सकते हैं। अपनी क्षमता को थोड़ा और बढ़ाना होगा। सामाजिक व्यस्तता को थोड़ा कम करें और अपने आर्थिक योजनाओं में समय दें। सफलता के द्वार खुले हुए हैं। निजी मामलों में दूसरों की दखलंदाजी तनावग्रस्त करेगी। संतान संबंधी चिंता आज बनी रहेगी। विरोधियों से सावधान रहें। साजिश के शिकार हो सकते हैं। धार्मिक भावना बलवती रहेगी। देव दर्शन के योग बनते हैं। कन्या राशि के जातक अपनी कार्य क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। इसके पीछे 2 कारण हैं। पहला, स्वास्थ्य संबंधी अनुकूलता ना मिल पाने और दूसरा कारण मन के नकारात्मक विचारों के चलते आपकी सक्रियता और आत्मविश्वास का उतार चढ़ाव।
आपकी सफलता में बाधक बन रहा है। सकारात्मक विचारधारा रखते हुए अपने कार्यों को अंजाम दें, सफलता मिलेगी। विरोधियों से बचें, अपनी योजनाओं को लागू करने से पहले किसी से शेयर ना करें। संतान व पत्नी पक्ष से तनाव की स्थिति संभावित है। गाय को हरा चारा खिलाएं और माँ दुर्गा की आराधना करें। तुला राशि के जातक आजकल बाह्य परिप्रेक्ष्य से सब कुछ अनुकूल महसूस करते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से मन में एक अज्ञात अंतर्द्वंद चलता रहता है, जो कि आपके आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा को प्रभावित करता है। यदि आपके कार्यालय या प्रतिष्ठान में किसी बात की गड़बड़ी महसूस हो तो उसे ध्यान से विश्लेषित करें और उसका हल निकालें, अन्यथा भविष्य में ज़्यादा नुकसान की स्थिति खड़ी हो सकती है। फिर भी आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, संतान संबंधी अनुकूलता बनी रहेगी, वैवाहिक मामलों में अनुकूलता बनी रहेगी, शादी समारोह में शामिल होने का योग बनता है, निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे। ओम नमः शिवाय का मानसिक जप हर मामलों में सहायक सिद्ध होगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए दिन भर का माहौल हर्ष और प्रसन्नता लिए रहेगा। पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी, व्यावसायिक योजनाएं फलीभूत होंगी। दोपहर के बाद का समय थोड़ा तनावग्रस्त हो सकता है। मन में नकारात्मक भावनाओं को न आने दें, अपने व्यावहारिक जीवन में सौहार्दपूर्ण माहौल को बनाकर रखें। आपके प्रयासों में उतार चढ़ाव संभावित है। पारिवारिक मामलों में व्यय की स्थिति बनी हुई है, धैर्य और हिम्मत से काम लें। पारिवारिक सदस्यों से मानसिक बल मिलता रहेगा। हनुमान जी की आराधना करें और ओम नमः शिवाय का मानसिक जप करते रहें। धनु राशि के जातकों के लिए आपकी कार्य ऊर्जा का व्यवहारिक पक्ष लाभदायक रहेगा। लोगों का सहयोग आपकी कार्य क्षमता को और बढ़ाता रहेगा। आज का दिन नई कार्य योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए बहुत अच्छा है। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता संभावित है। दोपहर के बाद आपके आत्मविश्वास में उतार चढ़ाव बना रहेगा। आर्थिक और व्यावसायिक पक्ष सामान्य रहेगा। वैवाहिक मामलों के लिए समय उपयुक्त है। पारिवारिक दायित्व की पूर्ति में सफल रहेंगे। भविष्य में नवीन योजनाओं के लिए निवेश का योग बना हुआ है। मकर राशि के जातकों के लिए आज आपकी रचनात्मक कार्यशैली आपकी उन्नति के साथ साथ पारिवारिक सुख सौहार्द में भी वृद्धि करेगी। निवेश के लिए समय अनुकूल है। गज केसरी योग का पूरा फल मिलेगा। रुके हुए काम संपन्न होंगे। दोपहर के बाद का समय व्यावसायिक पक्ष को और बल देगा। आर्थिक उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। किसी समारोह में शामिल होने और सम्मानित किए जाएंगे। निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे। शत्रु पक्ष से सावधान रहें। संतान संबंधी अनुकूलता बनी रहेगी। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देते रहें। ओम नमः शिवाय का जप सहायक सिद्ध होगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए हर्ष और प्रसन्नता का माहौल बना रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी सुधार मिलेगा। आपके रचनात्मक प्रयास में शासन सत्ता और अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा। पिछले रुके हुए कार्य संपन्न होंगे। व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ने से आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। नई कार्य योजनाओं के लिए समय अनुकूल है। आर्थिक व व्यावसायिक पक्ष मजबूत है। धार्मिक भावना बलवती रहेगी। वैवाहिक मामलों के लिए समय अनुकूल चल रहा है। मीन राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी सुधार बना रहेगा। व्यावसायिक मामलों में आपके प्रयास लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसके दो कारण है, आपका मन मुताबिक स्वास्थ्य का ना होना और दूसरा किसी काम के प्रति सकारात्मक पहल में उतार चढ़ाव आना। दोपहर के बाद का समय आपके आर्थिक पक्ष और व्यावसायिक गति को बल देगा। नकारात्मक विचारों में कमी आएगी। संतान संबंधी अनुकूलता महसूस होगी। पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। मित्रों से सहयोग मिलेगा और किसी समारोह में शामिल होने का मौका मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।